हेलो स्टूडेंट्स, आई एम संजय बलवानी। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल संजय सर की पाठशाला। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस लेक्चर में हमने ये देखा था कि किस प्रकार से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालेंगे, बट क्वेश्चंस अलग रहेंगे। पिछले वीडियो के क्वेश्चंस और इस वीडियो के क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस रहेगा। आज हम नए वैरायटी के क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन आते रहे। तो आइए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में जो हमने क्वेश्चंस देखे थे उन सारे क्वेश्चंस में यहाँ पर पॉजिटिव साइन था। आज के जो क्वेश्चंस रहेंगे उन क्वेश्चंस में यहाँ पे माइनस साइन डिफरेंस होगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉब्लम्स ऑफ लास्ट वीडियो एंड दिस वीडियो। आज के सारे क्वेश्चंस जो हम करेंगे उनमें सब में राइट हैंड साइड में नेगेटिव साइन होगा। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे हम आपको आज बताने वाले हैं। साथ ही स्टूडेंट्स, मैंने आपको 9 फॉर्मुलेस बताए थे जिससे 3 फॉर्मुले हमने लास्ट वीडियो में यूज किए पॉजिटिव साइन वाले क्योंकि क्वेश्चन में पॉजिटिव साइन थी। आज जैसे क्वेश्चन में नेगेटिव साइन है तो जो फॉर्मुले यूज हो रहे हैं वो भी नेगेटिव वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस। टोटल 9 फॉर्मुले थे जिसमें से 3 साइन के थे, 3 कॉस के थे और 3 टेन के थे। तो हर एक में एक एक प्लस वाला फॉर्मूला था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 साइन के फॉर्मूले, माइनस वाले, प्लस वाला मैंने लिखा नहीं है, वो हमने पिछली वीडियो में देखा था। कॉस के भी 3 फॉर्मूले हैं, एक प्लस वाला और 2 माइनस वाला। तो यहाँ पर मैंने 2 माइनस वाले लिखे। टेन के भी 3 फॉर्मूले, एक प्लस वाला और 2 माइनस वाले। तो आज मैंने सारे माइनस वाले फॉर्मूले लिखे हैं क्योंकि जो क्वेश्चन है उसमें माइनस साइन रहने वाली है। तो आइए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, कॉस थीटा इक्वल्स टू आपको माइनस 1/2 दिया हुआ है, इसको आप लोग इक्वल्स टू माइनस 1/2 लिखेंगे। स्टूडेंट्स, माइनस साइन पे फिलहाल ध्यान मत दीजिए, माइनस को एज इट इज रहने दीजिए। हम 1/2 की वैल्यू लिखेंगे कॉस के फॉर्म में। आई हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ 1/2 इन द फॉर्म ऑफ कॉस। कॉस के एंगल में 1/2 कहां पर आता है स्टूडेंट्स? सिर्फ 1/2 की बात कर रहा हूँ, माइनस की बात नहीं कर रहा हूँ। तो कॉस ऑफ 60 डिग्री 1/2 होता है ना स्टूडेंट्स, ये माइनस साइन एज इट इज है, समझ रहे? और 60 डिग्री मतलब कितना होता है स्टूडेंट्स? 60 डिग्री मतलब कितना होता है स्टूडेंट्स? π/3। 60 डिग्री मतलब कितना होता है स्टूडेंट्स? π/3। तो स्टूडेंट्स यहाँ ऑब्जर्व करिए कि ये माइनस साइन एज इट इज है, ये माइनस साइन एज इट इज है। माइनस को मैंने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया है, मैंने सिर्फ किसकी वैल्यू लिखी है बच्चों? मैंने सिर्फ 1/2 का वैल्यू लिखा है। आई हैव रिटन जस्ट द वैल्यू ऑफ 1/2 cos 60 डिग्री। सिर्फ 1/2 का वैल्यू मैंने cos 60 डिग्री लिखा है, माइनस को मैंने एज इट इज रखा है। तो इससे स्टूडेंट्स हमको ये पता पड़ता है कि वी कैन राइट cos थीटा इक्वल टू माइनस cos ऑफ π/3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? माइनस साइन। इस माइनस साइन के कारण हम इन दोनों को स्टूडेंट्स इक्वेट नहीं कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे हम थीटा इक्वल टू π/3 नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं सर? क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है। क्या है स्टूडेंट्स? माइनस साइन। तो स्टूडेंट्स इक्वेट करने के लिए हमको यहाँ से माइनस साइन हटानी पड़ेगी, मतलब ये माइनस साइन हमको यहाँ से गायब करनी है। माइनस साइन गायब करने के बाद ही हम इसको इक्वेट कर पाएंगे, है ना? तो इसको स्टूडेंट्स हम लोग इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा अभी एम क्या है? हमारा एम है कि कैसे हम ये माइनस साइन को यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है? तो स्टूडेंट्स बहुत आसान है, यहाँ देखिए, आप ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है स्टूडेंट्स? माइनस कॉस एक्स। क्या लिखा है यहाँ पर? माइनस कॉस एक्स। माइनस कॉस एक्स को आप क्या लिख सकते हो? प्लस कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स, मतलब ये माइनस कॉस का फॉर्मूला है प्लस के फॉर्म में। तो आप देख सकते हैं यहाँ माइनस जो है वो प्लस में आ जा रहा है। माइनस कॉस एक्स का क्या फॉर्मूला है दूसरा? प्लस कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स, मतलब माइनस कॉस एक्स को आप कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकते हो और माइनस कॉस एक्स को आप कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स से भी रिप्लेस कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यही फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। आपको समझ में आ रहा है बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ? हम लोगों को माइनस कॉस एक्स को यहाँ से रिप्लेस करना है प्लस कॉस के फॉर्म में, मतलब यहाँ से माइनस साइन हमको गायब करनी है। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला यूज करेंगे पहला वाला, कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। सही है स्टूडेंट्स, माइनस कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं प्लस कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स। माइनस कॉस एक्स को आप क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स? माइनस कॉस एक्स को आप लिख सकते हो प्लस कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स है। सही है स्टूडेंट्स, ये देखिए अगर यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स है। तो हमने माइनस कॉस एक्स को प्लस कॉस के फॉर्मूले लिखा है, हमको यहाँ पे माइनस कॉस π/3 को हटाना है। ये माइनस कॉस π/3 हमको
नहीं चाहिए। तो माइनस कॉस एक्स को अगर हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स, माइनस कॉस एक्स को अगर हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स, तो माइनस कॉस पाई बाय थ्री को क्या लिख सकते हैं बच्चों हम लोग, बोलिए कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाय थ्री। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स आपको, माइनस कॉस ऑफ पाई बाय थ्री को क्या लिखा हमने, माइनस कॉस ऑफ पाई बाय थ्री को लिखा कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाय थ्री। कौन से फॉर्मूले से बच्चों, ये वाले फॉर्मूले से। समझ में आ रहा है आपको, माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स को आप लिख सकते हो प्लस कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स, अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ पर एक्स है, माइनस कॉस पाई बाय थ्री, माइनस कॉस पाई बाय थ्री, यहाँ पाई बाय थ्री है तो यहाँ पर भी पाई बाय थ्री, वेरी सिंपल। और ये कॉस थीटा एज इट इज, ये कॉस थीटा बच्चों एज इट इज, समझ रहे आपको। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए टू पाई बाय थ्री, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू टू पाई बाय थ्री इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और साथ में लिमिट भी हम बता देंगे, है ना स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए हमको जो हमारे थीटा है दैट शुड लाई बिटवीन जीरो टू टू पाई और इट शुड लाई बिटवीन जीरो टू 360 डिग्री। तो टू पाई बाय थ्री कितना होता है स्टूडेंट्स, तो टू पाई बाय थ्री कितना होता है ये मैं आपके लिए रफ वर्क में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स जनरली आप लोग डिग्री में फेमिलियर है। तो टू पाई बाय थ्री को रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो टू पाई बाय थ्री इंटू 180 अपॉन पाई, पाई पाई कैंसल, 3 और 60 तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स कितना 120 डिग्री। तो आप देख सकते हो कि 120 डिग्री जो है वो 0 और 360 डिग्री के बीच में लाए करता है, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। जैसे 2 पाई बाय 3 0 और 2 पाई के बीच में लाए कर रहे रेडियन के फॉर्म में, तो हमारा जो आंसर है 120 डिग्री वो 0 और 360 डिग्री के फॉर्म बीच में लाए कर रहा है। तो ये आपका स्टूडेंट्स एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया, आपने यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज किया है, ये आपने फॉर्मूला यूज किया है स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसी प्रकार से स्टूडेंट्स हमारे पास और एक फॉर्मूला यहाँ पर अवेलेबल है, क्या है दूसरा फॉर्मूला स्टूडेंट बताइए, कि कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। दूसरा फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, यहाँ पर अगेन आप माइनस कॉस को प्लस कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो, माइनस कॉस को आप प्लस कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो। और स्टूडेंट्स हमारा एम क्या है, हमारा एम ये है कि हमको ये माइनस यहाँ से हटाना है, समझ रहे हैं आप लोग, हमको ये माइनस यहाँ से स्टूडेंट्स हटाना है, ये हमको माइनस यहाँ पे नहीं चाहिए क्योंकि ये माइनस के कारण हम इन दोनों को इक्वेट नहीं कर पा रहे, जैसे यहाँ से माइनस हट जाएगा इक्वेट कर लेंगे और थीटा हमको मिल जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन वन, बोलिए इक्वेशन वन क्या है बच्चों, कॉस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस पाई बाय थ्री, सही है स्टूडेंट्स। एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन में निकाल लिया है और एक हम निकालेंगे, तो माइनस कॉस एक्स को माइनस कॉस एक्स को लिख सकते हो कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स, समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, माइनस कॉस एक्स को आप क्या लिख सकते हो कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स, माइनस कॉस एक्स को आप लोग लिख सकते हैं माइनस कॉस एक्स को आप लिख सकते हो प्लस कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स। तो अगर माइनस कॉस एक्स को मैं लिख सकता हूँ कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स, तो माइनस कॉस पाई बाय थ्री को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों बताइए, कॉस ऑफ पाई प्लस पाई बाय थ्री, और ये कॉस थीटा एज इट इज, ये कॉस थीटा एज इट इज, और ये माइनस हो गया स्टूडेंट्स काई में आपका प्लस में, समझ रहे स्टूडेंट्स, ये कॉस थीटा एज इट इज और ये माइनस कॉस पाई बाय थ्री, इसमें कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट्स माइनस कॉस पाई बाय थ्री कन्वर्ट हो गया प्लस कॉस ऑफ पाई प्लस पाई बाय थ्री में, कैसे हुआ, माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला है किसका स्टूडेंट्स, माइनस कॉस एक्स का, माइनस कॉस एक्स को आप लिख सकते हो कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स, जैसे हम माइनस कॉस एक्स को लिख सकते हैं कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स, तो वैसे ही आप माइनस कॉस पाई बाय थ्री को लिख सकते हो कॉस ऑफ पाई प्लस पाई बाय थ्री, यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर पाई बाय थ्री है तो यहाँ पर पाई बाय थ्री है, तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ फोर पाई बाय थ्री, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू फोर पाई बाय थ्री इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन सच दैट जीरो लेस देन इक्वल टू फोर पाई बाय थ्री लेस देन टू पाई, समझ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो हमारा फोर पाई बाय थ्री जो है वो जीरो से टू पाई के बीच में आता है। अगर आपको डिग्री में चेक करना है तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे डिग्री में कर सकते हो, तो ये आपका हो गया कितना स्टूडेंट्स 360 डिग्री, 4 पाई बाय 3 को कन्वर्ट करिए डिग्री में, 4 पाई बाय 3 इनटू 180 अपॉन पाई, पाई पाई कैंसिल और ये 60 टाइम्स, समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, आया ना। तो 4 इनटू 60 कितना हो जाएगा 240 डिग्री, समझ रहे हैं स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 240 डिग्री। तो आप देख सकते हो 240 डिग्री जो है वो 0 से 360 डिग्री में लाए करता है, तो हमारा आंसर ये बिल्कुल सही है। तो देयरफॉर फाइनल आंसर क्या रहेगा बेटा, बोलो फाइनल आंसर क्या रहेगा, थीटा इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3 कॉमा 4 पाई बाय 3 आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। तो ये आपके स्टूडेंट्स प्रिंसिपल सॉल्यूशंस
हो गए। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में ये वाले फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। हर प्रॉब्लम में दो फॉर्मूले यूज होंगे, कॉस के प्रॉब्लम में ये दो फॉर्मूले, टैन के प्रॉब्लम में ये दो फॉर्मूले, साइन के प्रॉब्लम में ये दो फॉर्मूले। तो बहुत आसानी से हम लोग स्टूडेंट्स हमने माइनस वाले प्रॉब्लम का भी प्रिंसिपल सोल्यूशन निकाल लिया है। स्टूडेंट्स लास्ट प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व एग्जाम्पल 3 पेज नंबर 67 का था। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखने वाले हैं सॉल्व एग्जाम्पल 4 पेज नंबर 67 का। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं, प्रॉब्लम दिया है कॉट थीटा इक्वल्स टू माइनस 1/√3। तो हमको जैसे पता है स्टूडेंट्स कि कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा। तो स्टूडेंट्स वी कैन राइट 1/tan थीटा इक्वल्स टू माइनस रूट थ्री, इंटरचेंज हो जाएंगे आपस में इधर उधर। तो स्टूडेंट्स हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू माइनस 1/√3। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स आपको, क्या लिख सकते हैं हम स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे तो tan थीटा इक्वल्स टू माइनस 1/√3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस साइन है, तो ये माइनस को आप ऐसे ही रहने दीजिए। आप मुझे ये बताइए कि टेन के एंगल में स्टूडेंट्स 1/√3 कहाँ पर आता है, टेन के एंगल में स्टूडेंट्स 1/√3 कहाँ पर आता है बोलिए। सर पाई बाय 6 पे आता है, कहाँ पर आता है स्टूडेंट्स पाई बाय 6। तो पाई बाय 6 के पहले आपको बता दूं कहाँ पर आता है, 30 डिग्री पे आता है। कहाँ पर आता है 30 डिग्री, टेन ऑफ 30 डिग्री इज 1/√3। मैं माइनस की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, माइनस एज इट इज रखा है मैंने, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ किसकी 1/√3, आई एम टॉकिंग जस्ट अबाउट 1/√3। तो tan ऑफ 30 डिग्री 1/√3 होता है, ये माइनस साइन एज इट इज, और इसको हम लिख सकते हैं tan ऑफ पाई बाय 6। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमको मिल रहा है tan थीटा इक्वल टू माइनस tan ऑफ पाई बाय 6। ये हमारा हो जाएगा स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा इक्वेशन 1। समझ रहे स्टूडेंट्स, हाँ, तो यहाँ पर माइनस साइन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइनस साइन होने के कारण हम डायरेक्टली थीटा इक्वल टू पाई बाय 6 नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर माइनस साइन होने के कारण हम डायरेक्टली थीटा इक्वल टू पाई बाय 6 नहीं लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स सबको ये माइनस साइन यहाँ से हटाना है, माइनस साइन यहाँ से गायब करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मतलब यहाँ देखिए हमारे पास फिर से टेन के दो फॉर्मूले, माइनस टेन एक्स को हम लिख सकते हैं टेन ऑफ पाई माइनस एक्स, यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर एक्स है, जो टर्म यहाँ पर रहेगी वो टर्म यहाँ पर रहेगी, और ये माइनस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं माइनस टेन एक्स को लिख सकते हैं टेन ऑफ 2π - x, माइनस टेन एक्स को क्या लिख सकते हैं बेटा टेन ऑफ 2π - x। तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, ये एक्स की टर्म यहाँ पे, एक्स की टर्म यहाँ पे, एक्स की टर्म यहाँ पे, एक्स की टर्म। तो आप देख सकते हैं कि माइनस टेन को हम कैसे प्लस टेन ऑफ 5 - x लिख सकते हैं, और माइनस टेन एक्स को हम टेन ऑफ 2π - x लिख सकते हैं। तो ये दो फॉर्मूले स्टूडेंट्स हम लोग यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स लिखेंगे यहाँ पे हम लोग वी नो वॉट वी नो स्टूडेंट्स कि माइनस टेन एक्स इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स टेन ऑफ पाई माइनस एक्स होता है। माइनस टेन एक्स क्या होता है स्टूडेंट्स बोलिए, माइनस टेन एक्स होता है टेन ऑफ पाई माइनस एक्स। तो हमें ये माइनस साइन यहां से हटानी है। तो स्टूडेंट्स माइनस टेन ऑफ पाई बाय 6 क्या हो जाएगा बताइए, अगर माइनस टेन एक्स का वैल्यू, माइनस टेन एक्स का वैल्यू टेन ऑफ पाई माइनस एक्स होता है तो माइनस टेन पाई बाय 6 का क्या होगा बोलिए बच्चों। तो टेन ऑफ पाई माइनस पाई बाय 6, तो आप बोल सकते हो कि माइनस टेन पाई बाय 6 मतलब टेन ऑफ 5π/6 होता है। तो स्टूडेंट्स फ्रॉम इक्वेशन 1 आप लिख सकते हो कि टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है माइनस टेन पाई बाय 6, बट माइनस टेन पाई बाय 6 किसके इक्वल है टेन ऑफ 5π/6 के। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स आपको, माइनस टेन पाई बाय 6 ये तो आपस में इक्वल थे, बट माइनस टेन पाई बाय 6 किसके इक्वल है टेन 5π/6 के, तो मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू टेन 5π/6। तो स्टूडेंट्स यहां से हम लिख सकते हैं देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 5π/6 इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन सच दैट 0 < = कितना बेटा 5π/6 < 2π। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, हाँ, तो ये आपका स्टूडेंट्स क्या हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सो दिस इज योर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल गया स्टूडेंट्स आपको, अब दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखने के लिए हमको दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ये हमने यूज कर लिया है। तो हमको और एक फॉर्मूला है पता है, वी नो माइनस टेन एक्स इक्वल्स टू टेन ऑफ 2π - x। माइनस टेन एक्स को हम लिख सकते हैं प्लस टेन ऑफ 2π - x, माइनस टेन एक्स को हम लिख सकते हैं प्लस टेन ऑफ 2π - x। समझ रहे स्टूडेंट्स, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या बोल रही है, इक्वेशन 1 बोल रही है, इक्वेशन 1 बोल रही है कि tan थीटा इक्वल्स टू माइनस टेन पाई बाय 6 होता है। इक्वेशन 1 बोल रही है कि tan थीटा इक्वल्स टू माइनस टेन पाई बाय 6 होता है, हमको ये माइनस साइन यहां से हटानी है। तो माइनस टेन पाई बाय 6 को क्या लिख सकते हैं, अगर माइनस टेन एक्स को लिख सकते हैं, माइनस टेन एक्स को लिख सकते हैं प्लस टेन ऑफ 2π - x। माइनस टेन एक्स को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स,
प्लस टेन ऑफ टू पाई माइनस एक्स, तो माइनस टेन पाई बाय सिक्स क्या लिख पाएंगे, टेन ऑफ टू पाई माइनस पाई बाय सिक्स, ये वाले फॉर्मूले से, समझ रहे स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला यूज करके आप ये लिख सकते हैं, समझ रहे स्टूडेंट्स आपको, माइनस टेन एक्स को हम लिख सकते हैं प्लस टेन ऑफ टू पाई माइनस एक्स, यहां पर एक्स है तो यहां पर एक्स है, तो माइनस टेन पाई बाय सिक्स को हम लिख पाएंगे टेन ऑफ टू पाई माइनस पाई बाय सिक्स। तो स्टूडेंट्स यहां से आपको माइनस टेन पाई बाय सिक्स का वैल्यू मिलेगा टेन ऑफ इलेवन पाई बाय सिक्स, समझ रहे स्टूडेंट्स आपको। तो फ्रॉम इक्वेशन वन बोलिए टेन थीटा किसके इक्वल था बेटा, माइनस टेन पाई बाय सिक्स के, टेन थीटा किसके इक्वल था, माइनस टेन पाई बाय सिक्स, बट मैंने माइनस टेन पाई बाय सिक्स की वैल्यू कितनी निकाली बच्चों, टेन ऑफ इलेवन पाई बाय सिक्स, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू इलेवन पाई बाय सिक्स इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन सच दैट जीरो लेस देन इलेवन पाई बाय सिक्स लेस देन टू पाई। आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली इस रेंज में आता ही है, ये तो मैं आपको समझने के लिए बता रहा था, इतना आपका बेसिक क्लियर कर रहा था, समझ रहे स्टूडेंट्स। तो ये आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स हम लोग, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू पहला आंसर फाइव पाई बाय सिक्स कॉमा इलेवन पाई बाय सिक्स आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। बहुत आसान है बच्चों, कोई डिफिकल्टी आपको नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप माइनस वाले क्वाड्रेंट बहुत आसानी से कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वाड्रेंट के साथ, एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया स्टूडेंट, साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस वन बाय टू दिया है, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या दिया स्टूडेंट्स, माइनस वन बाय टू। तो स्टूडेंट्स माइनस साइन का टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, यहां पर माइनस वन बाय टू, ये माइनस एज इट इज। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि साइन के एंगल में 1 बाय टू कहां पर आता है, कौन सा साइन का एंगल 1 बाय टू होता है, बताइए स्टूडेंट्स कहां पर आता है, सर 30 डिग्री पे आता है, कहां पर आता है बच्चों 30 डिग्री, और 30 डिग्री को हम कैसे लिखते हैं बेटा, पाई बाय 6, इज इट ओके स्टूडेंट्स। ये माइनस साइन एज इट इज आइए, और ये माइनस साइन यहां पर एज इट इज आइए। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, हम लोग लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन ऑफ पाई बाय 6, तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दिस विल बी अवर इक्वेशन नंबर वन। अब स्टूडेंट्स डायरेक्टली इसमें से हम थीटा का वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि यहां पर क्या है स्टूडेंट्स, माइनस साइन है, डायरेक्टली इसमें से हम थीटा का वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि यहां पर माइनस साइन है, तो हमको ये माइनस साइन हटानी है यहां से, हमको माइनस साइन पाई बाय सिक्स को प्लस साइन से रिप्लेस करना है, फॉर्मूला लगाएंगे माइनस साइन पाई बाय सिक्स को क्या करना है स्टूडेंट्स, माइनस साइन पाई बाय सिक्स को प्लस साइन से रिप्लेस करना है ताकि हम डायरेक्टली इक्वेट कर सके और थीटा का वैल्यू हमको पता पड़ जाए। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं माइनस साइन एक्स के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक माइनस साइन एक्स को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई प्लस एक्स, और एक माइनस साइन एक्स को हम लिख सकते हैं प्लस साइन ऑफ टू पाई माइनस एक्स। माइनस साइन एक्स को आप लिख सकते हो प्लस साइन ऑफ पाई प्लस एक्स, और माइनस साइन एक्स को आप लिख सकते हो प्लस साइन ऑफ टू पाई माइनस एक्स। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पहले, वी नो व्हाट वी नो स्टूडेंट्स बताइए, माइनस साइन एक्स को हम लिख सकते हैं प्लस साइन ऑफ पाई प्लस एक्स, तो माइनस साइन एक्स को आप बच्चों लिख सकते हो साइन ऑफ पाई प्लस एक्स, माइनस साइन एक्स को आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स क्या, साइन ऑफ पाई प्लस एक्स। तो सिमिलरली आप माइनस साइन पाई बाय सिक्स को क्या लिखोगे, जैसे यहां पर माइनस साइन पाई बाय सिक्स है, माइनस साइन एक्स को आप लिख सकते हो साइन ऑफ पाई प्लस एक्स, यहां पर एक्स है तो यहां पर एक्स है, तो बताइए माइनस साइन पाई बाय सिक्स को क्या लिखोगे, सर साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय सिक्स लिख सकते हैं। बड़ा फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं सिर्फ, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, माइनस साइन एक्स, यहां पर एक्स है तो यहां पर भी एक्स है, हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको यहां पर माइनस नहीं चाहिए प्लस चाहिए, क्यों चाहिए माइनस, माइनस क्यों नहीं चाहिए प्लस क्यों चाहिए, क्योंकि प्लस रहेगा तब इसको इक्वेट कर पाएंगे थीटा मिलेगा, माइनस से हम थीटा इक्वेट नहीं कर सकते, तो ये माइनस साइन यहां से हटाना है, माइनस साइन को आपको प्लस साइन के फॉर्मूले में लिखना है, तो माइनस साइन एक्स को आप लिख सकते हो साइन ऑफ फाइव प्लस एक्स, तो माइनस साइन फाइव बाय सिक्स क्या लिखोगे, साइन ऑफ फाइव प्लस फाइव बाय सिक्स, तो माइनस साइन ऑफ फाइव बाय सिक्स का बन जाएगा साइन ऑफ सिक्स फाइव प्लस फाइव सेवन फाइव बाय सिक्स, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन वन बोलिए बेटा साइन थीटा इक्वल टू, इक्वेशन वन क्या बोलता है, साइन थीटा इक्वल टू कितना था, माइनस साइन फाइव बाय सिक्स, इक्वेशन वन बोलता है साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन फाइव बाय सिक्स, बट माइनस साइन फाइव बाय सिक्स की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, माइनस साइन पाई बाय सिक्स की वैल्यू है साइन ऑफ सेवन पाई बाय सिक्स, साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन पाई बाय सिक्स, साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन पाई बाय सिक्स, और माइनस साइन पाई बाय सिक्स इक्वल टू साइन ऑफ
सेवन पाई बाय सिक्स, समझ रहे हैं। तो आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहां से मैं माइनस साइन गायब कर दिए, माइनस नहीं है अभी यहां पर प्लस है, तो डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हैं थीटा इक्वल टू सेवन पाई बाय सिक्स इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन सच दैट जीरो लेस देन सेवन पाई बाय सिक्स इज लेस देन टू पाई। यहां पे आपको एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल चुका है स्टूडेंट, समझ रहे हैं आपको। हाँ तो स्टूडेंट्स यहां पे आपको एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल चुका है एक फॉर्मूले से। सिमिलरली स्टूडेंट्स हम दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उससे आपको दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। दूसरा फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स बताइए, माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ टू पाई माइनस एक्स, सही है स्टूडेंट्स। दूसरा फॉर्मूला है माइनस साइन एक्स इक्वल टू साइन ऑफ टू पाई माइनस एक्स। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन वन आ जाइए, फिर से इक्वेशन वन देख लीजिए, बताइए फ्रॉम इक्वेशन वन क्या बोल रही है बेटा स्टूडेंट्स, इक्वेशन वन साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन ऑफ पाई बाय सिक्स, इक्वेशन वन बोल रही है साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन पाई बाय सिक्स, मतलब ये माइनस साइन मुझे यहां से हटानी है, समझ रहे हैं स्टूडेंट्स। माइनस साइन एक्स को मैं लिख सकता हूँ प्लस साइन के फॉर्मूले में, माइनस साइन एक्स को लिखता हूँ मैं प्लस साइन के फॉर्मूले में, माइनस साइन को लिख सकता हूँ प्लस साइन के फॉर्मूले में, तो माइनस साइन पाई बाय सिक्स को मैं क्या लिख पाऊंगा, अगर माइनस साइन एक्स को मैं लिख सकता हूँ प्लस साइन ऑफ टू पाई माइनस एक्स, तो माइनस माइनस साइन साइन एक्स के बदले पाई बाय सिक्स, तो क्या लिख पाऊंगा स्टूडेंट्स साइन ऑफ टू पाई माइनस एक्स के बदले कितना है पाई बाय सिक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स साइन ऑफ ट्वेल्व पाई माइनस पाई, मतलब साइन ऑफ इलेवन पाई बाय सिक्स, कितना आएगा साइन ऑफ इलेवन पाई बाय सिक्स, मतलब माइनस साइन ऑफ पाई बाय सिक्स को आप लिख सकते हो साइन ऑफ इलेवन पाई बाय सिक्स लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स माइनस साइन पाई बाय सिक्स को लिख सकते हो प्लस साइन ऑफ इलेवन पाई बाय सिक्स। तो इक्वेशन वन से क्या था स्टूडेंट्स साइन थीटा, या लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन क्या बोल रही थी इक्वेशन वन साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन पाई बाय सिक्स होता है बोलते हैं, इक्वेशन वन बोल रही है साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन पाई बाय सिक्स, बट माइनस साइन पाई बाय सिक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ इलेवन पाई बाय सिक्स, मतलब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ इलेवन पाई बाय सिक्स, तो थीटा इज इक्वल टू इलेवन पाई बाय सिक्स इज द प्रिंसिपल सोल्यूशन सच दैट जीरो लेस देन इक्वल टू इलेवन पाई बाय सिक्स लेस देन टू पाई, है ना। प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए आपका थीटा का वैल्यू जीरो से टू पाई के बीच में आना चाहिए, तो आ रहा है टू पाई के नीचे, अगर आपको डिग्री के फॉर्म में थोड़ा समझा दूं एक बार फिर से, अगर आप बोलते होंगे तो टू पाई का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स 360 डिग्री, समझ रहे हैं स्टूडेंट्स। अरे हाँ या ना, तो इलेवन पाई बाय सिक्स का मतलब कितना होगा, ये रफ वर्क है आपके समझने के लिए बेटा, इलेवन पाई बाय सिक्स इंटू 180 बाय पाई, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं पाई बाय कैंसिल और ये 30 टाइम्स, तो आ जाएगा 330 डिग्री, समझ रहे हैं स्टूडेंट्स आप लोग, ठीक है। तो ये रफ वर्क है, तो आप देख सकते हैं 11 पाई बाय 6 जो है वो जीरो से टू पाई के बीच में आते हैं रेडियन के फॉर्म में, और अगर इसको हम डिग्री रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो 330 डिग्री जीरो से 360 के बीच में आता है, तो इसको हम अपना प्रिंसिपल सॉल्यूशन बिल्कुल बोल सकते हैं, समझ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका, देयरफॉर एक आंसर ये हो गया, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 7 पाई बाय 6 कॉमा 11 पाई बाय 6 आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, बहुत आसान है, तो इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं स्टूडेंट्स, 3.1 एक्सरसाइज का सेकंड का सेकंड प्रॉब्लम क्या दिया स्टूडेंट्स, टेन थीटा इक्वल्स टू माइनस वन, टेन थीटा इक्वल्स टू माइनस वन, माइनस साइन को एज इट इज रहने दीजिए, सिर्फ वन की वैल्यू बताइए बेटा, सिर्फ किसकी वैल्यू बताइए वन की, समझ रहे हैं स्टूडेंट्स। मुझे बताइए टेन के एंगल में वन कहां पर आता है बच्चों, टेन के एंगल में वन कहां पर आता है सर पाई बाय फोर में आता है, टेन के एंगल बेटा वन कहां पर आता है पाई बाय फोर में आता है, तो माइनस साइन मैंने एज इट इज रहने दी थी, पाई बाय फोर मतलब 45 डिग्री बेटा, ना टेन ऑफ 45 डिग्री वन होता है, अभी आप इसे कंफर्टेबल हो जाइए, है ना, तो टेन ऑफ 45 डिग्री वन होता है, 45 डिग्री का मतलब ही पाई बाय फोर होता है, तो स्टूडेंट्स ये माइनस साइन यहां पर एज इट इज मैंने लिखी है, समझ रहे हैं, माइनस को एज इट इज मैंने वन का वैल्यू निकाला है, किसका वैल्यू निकाला है बच्चों मैंने सिर्फ वन का, मैंने सिर्फ वन का वैल्यू लिखा है टेन ऑफ पाई बाय फोर, तो स्टूडेंट्स यहां पे होता है टेन थीटा इक्वल्स टू माइनस टेन ऑफ पाई बाय फोर, है ना, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं माइनस टेन पाई बाय फोर, ये हमारा क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर वन बन जाएगा,
ये हमारा क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर वन। यहाँ पे हम डायरेक्टली बेटा थीटा से वैल्यू निकाल नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, माइनस साइन है। यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, माइनस साइन, तो ये माइनस साइन हमको यहाँ से हटानी पड़ेगी। और ये माइनस के बजाय हमको क्या चाहिए, प्लस चाहिए। माइनस से जब हम यहाँ प्लस कर देंगे तो हम डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। ऐसे हम आंसर निकाल नहीं सकते। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं माइनस टेन एक्स है, ये एक फॉर्मूला है प्लस के फॉर्म में, और ये माइनस टेन एक्स का एक फॉर्मूला है प्लस के फॉर्म में। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला लिखेंगे स्टूडेंट्स कि वी नो व्हाट वी नो कि माइनस टेन एक्स इक्वल्स टू कितना, टेन ऑफ पाई माइनस एक्स। माइनस टेन एक्स इक्वल्स टू टेन ऑफ पाई माइनस एक्स। अगर माइनस टेन एक्स को लिख सकते हैं टेन ऑफ पाई माइनस एक्स, तो माइनस टेन पाई बाय फोर को क्या लिख सकते हैं, अगर माइनस टेन एक्स को लिख सकते हैं टेन ऑफ पाई माइनस एक्स, तो एक्स के बदले पाई बाय फोर है। तो यहां पर भी एक्स के बदले कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, पाई बाय फोर। तो माइनस टेन ऑफ पाई बाय फोर इक्वल्स टू टेन ऑफ फोर पाई माइनस पाई, थ्री पाई बाय फोर। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 पाई बाय 4 हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब इक्वेशन 1 देख लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 tan थीटा इक्वल्स टू कितना है स्टूडेंट्स, tan थीटा इक्वल्स टू माइनस टेन पाई बाय 4। tan थीटा इक्वल्स टू कितना है स्टूडेंट्स, माइनस टेन पाई बाय 4। और माइनस टेन पाई बाय 4 इक्वल्स टू कितना है, tan ऑफ 3 पाई बाय 4। मतलब tan थीटा इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो tan थीटा इक्वल्स टू tan ऑफ 3 पाई बाय 4। मतलब स्टूडेंट्स आप क्या लिख सकते हो यहां से बच्चों, बोलिए बेटा। यहां से हम लोग लिख सकते हैं सर कि थीटा इज इक्वल्स टू 3 पाई बाय 4 इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन सच दैट 0 लेस देन इक्वल्स टू 3 पाई बाय 4 इज लेस देन 2 पाई। ये 2 पाई से छोटा है, अपने रेंज में आ रहा है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते वक्त आपका जो वैल्यू है वो 0 से 2 पाई के बीच में आना चाहिए। और स्टूडेंट्स आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है, ये प्रॉब्लम्स में वो ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूले यूज कर देंगे, 0 से 2 पाई के बीच में ही आता है। तो यहां से आपको एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल चुका है। अब आप स्टूडेंट दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करिए। दूसरा फॉर्मूला क्या है बेटा, वी नो व्हाट इज द सेकंड फॉर्मूला, टेन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस टेन एक्स। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, टेन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या है, माइनस टेन एक्स। हाँ है ना स्टूडेंट्स? तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फिर से इक्वेशन 1 पे आ जाइए। इसको मैं आपके लिए घुमा के लिख देता हूं। मतलब माइनस टेन एक्स इक्वल टू टेन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स। इक्वेशन 1 क्या बोल रही है, इक्वेशन 1 ये बोल रही है कि टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, इक्वेशन 1 बोल रही है टेन थीटा इक्वल्स टू माइनस टेन पाई बाय 4। इक्वेशन 1 क्या बोल रही है कि टेन थीटा इक्वल्स टू माइनस टेन पाई बाय 4। मतलब हमको यहाँ माइनस साइन रिमूव कर दिए जैसे मैंने आपको बताया है। माइनस टेन के बदले हमको प्लस चाहिए, तो आप ये देखिए माइनस टेन को हम प्लस टेन में लिख सकते हैं, माइनस टेन को हम प्लस टेन लिख सकते हैं। यहां पर x है तो यहां पर भी x है। अगर माइनस टेन एक्स को मैं लिख सकता हूं टेन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, माइनस टेन एक्स को लिख सकता हूं टेन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, तो माइनस टेन पाई बाय 4 को मैं क्या लिख सकता हूं बताइए, टेन ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 4। समझ रहे स्टूडेंट्स आपको, आया ना कहां से आई फॉर्मूला, ये अप्लाई किया बेटा यहां पर। समझ रहे आपको, माइनस टेन एक्स को लिख सकते हैं टेन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, तो माइनस टेन पाई बाय 4 को लिख सकते हैं टेन ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 4। माइनस माइनस टेन टेन एक्स के बदले पाई बाय 4, टेन के बदले टेन, 2 पाई के बदले 2 पाई, माइनस माइनस एक्स के बदले पाई बाय 4। कितना आसान है, आया ना स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स यहां से माइनस टेन पाई बाय 4 का वैल्यू हमको कितना मिल जाएगा, माइनस टेन पाई बाय 4 का वैल्यू है 8 पाई माइनस पाई, 7 पाई बाय 4। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 बार बार काम में आती है, tan थीटा इक्वल्स टू माइनस टेन पाई बाय 4, tan थीटा इक्वल्स टू माइनस टेन पाई बाय 4, एंड माइनस टेन पाई बाय 4 इक्वल टू tan ऑफ 7 पाई बाय 4। मतलब tan थीटा इज इक्वल्स टू tan ऑफ 7 पाई बाय 4। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि यहां पर जो हमारी माइनस साइन थी है ना, इस माइनस को हमने प्लस के फॉर्म में लिख दी है, और उसके लिए हमने ये स्टेप्स की है। तो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 7 पाई बाय 4 इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन सच दैट 0 लेस देन 7 पाई बाय 4 इज लेस देन 2 पाई। समझ रहे स्टूडेंट्स? तो आपको यहाँ पे दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल चुके हैं। आया ना, आपको दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन बेटा मिल चुके हैं। फाइनल आंसर लिख देंगे, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू कितना था, 3 पाई बाय 4, और साथ में 7 पाई बाय 4 आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। हमको दोनों प्रिंसिपल सॉल्यूशंस मिल चुके हैं। तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है ना, कोई डिफिकल्टी आपको नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से माइनस वाले प्रॉब्लम भी हमने काफी सॉल्व कर लिया। लास्ट प्रॉब्लम आज का देख लेंगे, देन ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन का टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाएगा। आइए स्टूडेंट्स आज का लास्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। रूट 3 कोसेक थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0।
रूट थ्री कोजेक थीटा प्लस टू इक्वल टू जीरो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बच्चों को, तो दिस विल बी रूट थ्री कोजेक थीटा इक्वल्स टू माइनस टू, मतलब कोजेक थीटा इक्वल्स टू माइनस टू बाय रूट थ्री, है ना स्टूडेंट्स। बट हमको पता है स्टूडेंट्स कि कोजेक थीटा क्या होता है, कोजेक थीटा इज वन बाय साइन थीटा, तो ये कोजेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो, वन अपॉन साइन थीटा, वन अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस टू अपॉन रूट थ्री, हा है ना, उल्टा कर दीजिए इसको, तो साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस रूट थ्री बाय टू हो गया, माइनस साइन ऐसे भी रहने दीजिए, माइनस साइन को ऐसे भी रहने दीजिए, मुझे बताइए साइन केस में रूट थ्री बाई टू कहां पर आता है बच्चों, साइन केस में रूट थ्री बाई टू कहां पर आता है, कहां पर आता है बेटा 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब कितना होता है पाई बाई थ्री, तो बेटा माइनस साइन को मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने रूट थ्री बाई टू का वैल्यू लिखा है सिर्फ, समझ रहे हैं, ये माइनस साइन एज इट इज, मैंने सिर्फ रूट थ्री बाई टू का वैल्यू यहां पर ये लिखा है, माइनस को एज इट इज रहने दिया है। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा बोलिए, साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन ऑफ पाई बाय थ्री, है ना, साइन थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ साइन पाई बाय थ्री, ये आपका बन जाएगा क्या बच्चों, इक्वेशन नंबर वन, ये आपका इक्वेशन नंबर वन हो चुका है स्टूडेंट्स। अब इसको हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है, तो माइनस साइन होने के कारण हम दोनों को इक्वेट नहीं कर सकते, मतलब हमको ये माइनस साइन यहाँ से हटानी है, हमको ये माइनस साइन स्टूडेंट यहाँ से हटानी है, तो उसके लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, माइनस साइन को हम प्लस साइन लिख सकते हैं, माइनस साइन को हम प्लस साइन लिख सकते हैं। सबसे पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि वी नो क्या है बेटा, पहला फॉर्मूला बोलिए, माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू बोलो बेटा साइन ऑफ पाई प्लस एक्स, माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला है साइन ऑफ पाई प्लस एक्स, तो माइनस साइन एक्स को अगर साइन ऑफ पाई प्लस एक्स लिख सकते हैं तो माइनस साइन पाई बाय थ्री को क्या लिख सकते हैं बच्चों बोलिए, अगर माइनस साइन एक्स को साइन ऑफ पाई प्लस एक्स लिख सकते हैं तो माइनस साइन पाई बाय थ्री को क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय थ्री लिख सकते हैं, और साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय थ्री कितना होगा बोलो, साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय थ्री साइन ऑफ फोर पाई बाय थ्री, मतलब हम लिख सकते हैं कि माइनस साइन पाई बाय थ्री इज इक्वल टू साइन ऑफ 4 पाई बाय 3, हाँ है ना, तो आप देख सकते हैं कि माइनस साइन को मैंने कैसे प्लस साइन में कन्वर्ट कर दिया है। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स अपनी इक्वेशन नंबर 1 पे, ये देखिए हमारा इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या बोल रहे स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 से क्या मिलेगा हमको बोलिए, साइन थीटा इक्वल्स टू, साइन थीटा किसके इक्वल था, माइनस साइन पाई बाय 3 के, साइन थीटा किसके इक्वल था, माइनस साइन पाई बाय 3, और माइनस साइन पाई बाय 3 किसके इक्वल था, साइन 4 पाई बाय 3, तो हमारा यही तो बेटा एम था कि कैसे हम इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर सके ताकि हम डायरेक्टली थीटा को इक्वेट कर सकते हैं, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 4 पाई बाय 3 इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन सच दैट 0 लेस देन 4 पाई बाय 3 इज लेस देन 2 पाई, समझ रहे स्टूडेंट्स आपको, आपको एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल चुका है एक फॉर्मूले से। अब आप क्या करोगे सर, अभी हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, या आपने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया, अब आप क्या करोगे दूसरा फॉर्मूला लगाओगे, दूसरा फॉर्मूला क्या है बच्चों बोलो, वी नो व्हाट वी नो बेटा, माइनस साइन एक्स इक्वल टू साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, ये और एक फॉर्मूला है हमारे पास माइनस साइन को प्लस साइन में कन्वर्ट करने के लिए, तो अगर माइनस साइन एक्स को स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, तो माइनस साइन ऑफ पाई बाय 3 को क्या लिख सकते हैं, अगर माइनस साइन एक्स को लिख सकते हैं साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, तो माइनस साइन पाई बाय 3 को क्या लिख सकते हैं बच्चों बोलो, यहाँ पे माइनस का माइनस साइन का साइन एक्स के बदले पाई बाय 3 है, सिर्फ x के बदले पाई बाय 3 कर दो बस, तो कितना आएगा बोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो साइन ऑफ 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाय 3, मतलब माइनस साइन पाई बाय 3 इज इक्वल टू हो जाएगा साइन ऑफ 5 पाई बाय 3, यहां से आपको माइनस का प्लस में मिल चुका है एकदम, है ना, माइनस को आपने प्लस से रिप्लेस कर दिया है, सही है स्टूडेंट्स, है ना। अब बात करेंगे फिर से इक्वेशन 1 से, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या थी हमारी बोलो बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 1 साइन थीटा किसके इक्वल था, माइनस साइन पाई बाय 3 के, साइन थीटा किसके इक्वल था, माइनस साइन पाई बाय 3, बट माइनस साइन पाई बाय 3 किसके इक्वल है, साइन पाई बाय 3, तो वी कैन राइट साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 5 पाई बाय 3, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाय 3 इज द प्रिंसिपल सोल्यूशन सच दैट बेटा, सच दैट क्या, 0 लेस देन 5 पाई बाय 3 इज लेस देन 2 पाई, समझ रहे हैं बेटा आपको, हाँ है ना, थीटा इक्वल्स टू क्या मिल गया 5 पाई बाय 3 इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, सही है स्टूडेंट्स, हाँ तो ये आपको मिल चुका है, तो फाइनल आंसर लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, थीटा इक्वल्स टू एक कितना आया वाला, एक आया 4 पाई बाय 3, एक आया 4 पाई बाय 3 और दूसरा आया 5 पाई बाय 3 आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो इस तरीके से हमको
तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल चुके हैं, है ना, ये आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल चुका है। समझ गए स्टूडेंट्स, आपको बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। और स्टूडेंट्स ये तो हो गया पूरे माइनस वाले क्वेश्चन, अब मैं आपको दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप कॉन्फिडेंस आपका कर सके। एक है tan थीटा इक्वल्स टू माइनस रूट थ्री, क्या है स्टूडेंट्स, tan थीटा इक्वल्स टू माइनस रूट थ्री, तो बहुत आसान है, डायरेक्टली है। और एक क्वेश्चन से इस तरीके से, यहाँ पे क्या था, रूट थ्री कोसेक थीटा प्लस टू इक्वल टू जीरो, यहाँ पर क्या है, रूट थ्री सेक थीटा प्लस टू इक्वल टू जीरो, कोसेक के बदले क्या है, सेक है, तो सिंप्लीफाई करेंगे, रूट थ्री कोसेक थीटा इक्वल टू माइनस टू, प्लस टू उधर चल जाएगा, ये रूट थ्री इसके नीचे चल जाएगा, तो सेक थीटा इक्वल टू माइनस टू बाय रूट थ्री, बट सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, वन बाय कॉस थीटा, तो अभी सेक थीटा को लिख सकते हैं वन बाय कॉस थीटा, और ये माइनस टू बाय रूट थ्री, उल्टा कर दीजिए तो कॉस थीटा इक्वल टू माइनस रूट थ्री बाय टू, सेम ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसा ही है, सिर्फ साइन के बदले क्या है स्टूडेंट्स, कॉस। तो ये हिंट मैंने प्रोवाइड की, दो क्वेश्चन आपको होमवर्क करने, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा स्टूडेंट्स, तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और स्टूडेंट्स अगर अभी तक के चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।